तो मैं सी अनु भाटिया आज आपके साथ इनकम टैक्स से रिलेटेड डिस्कशन लेकर के आया हूं ई कैंपेन नोटिस ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हाउ टू बी रिस्पॉन्ड बेसिकली नियर पास्ट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई e कैंपेन के अंदर नोटिस इशू करना शुरू किया है और असर एट लार्ज के लिए ये इशू आ गया दोस्तों कि उस ई e कैंपेन के नोटिस का जवाब कैसे देना है तो आज की इस वीडियो के थ्रू दोस्तों मैं जो भी इस पर्टिकुलर ई कैंपेन नोटिस पर अपनी सूक्ष्म बुद्धि से समझ पाया हूं वो बात आपके सामने वो टॉपिक आपके सामने वो बिंदु आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा तो सबसे पहले दोस्तों आपके सामने आज की इस वीडियो के कवरेज यानी क्या क्या पॉइंट्स हैं व्हाट इज ई कैंपेन एक हल्का सा ब्रीफ उसके बारे में उसे समझना वट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्लायंस पोर्टल कंप्लायंस पोर्टल की इंपॉर्टेंस क्या है वॉट डू वी मीन बाई एस एफ टी एंड टाइप एस एफ टी यानी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किस तरीके से या किस प्रकार के स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उनका मतलब क्या होता है वो आपके सामने इस वीडियो के थ्रू लाने की कोशिश करूंगा हाउ टू रीच टू कंप्लायंस पोर्टल कंप्लायंस पोर्टल पर आपको कैसे जाना है वो बात आपके सामने रखूंगा हाउ टू रिस्पॉन्ड टू ई कैंपेन नोटिस विच आर इशूड टू यू थ्रू कंप्लायंस पोर्टल आपको कंप्लायंस पोर्टल के थ्रू ई कैंपेन नोटिस का कैसे जवाब देना है एंड मेरी ओर से कुछ सजेशन जो मैं सीज एट लार्ज को इस वीडियो के थ्रू देना चाहता हूं वो भी अंत में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा तो जैसा दोस्तों हम सब समझते हैं कि ई कैंपेन एक प्रकार का ऑनलाइन कैंपेन है यानी इसके थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थ्रू असेसिंग ऑफिसर आपसे कांटेक्ट नहीं करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको मेल भेजेगा और उस मेल के थ्रू उनके पास में जो जानकारी है उसके संदर्भ में आपसे कुछ क्लेरिफिकेशन मांगने की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोशिश करेगा यानी टेक्निकली अगर मैं इसे आपके सामने रखूं तो अंडर ई कैंपेन टैब ऑफ कंप्लायंस पोर्टल इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम वेरियस सोर्सेज रिलेटेड टू टैक्स पेयर इज डिस्प्लेड फॉर सीकिंग फीडबैक यानी भारत सरकार या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर और स्पेसिफिकली बोलूं तो वो आपके सामने आपसे संबंधित इंफॉर्मेशन रखेगा और आपसे उन पर फीडबैक मांगेगा द टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट रिस्पॉन्स ऑन ईच इंफॉर्मेशन आइटम टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑफ रिस्पॉन्स यानी आपसे हर आइटम जो उनकी जानकारी में है आपके संदर्भ में उनके संदर्भ में आपसे रिस्पॉन्स लिया जाएगा फंक्शनलिटीज आर अवेलेबल तो जो तीन प्रकार की ई कैंपेन फंक्शनलिटीज दोन सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड ई कैंपेन फॉर हाई वेल्यू ट्रांजेक्शन इन तीन विषयों पर दोस्तों आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस ई e कैंपेन के पोर्टल के थ्रू कंप्लाइंस कराने वाला है तो आपको यह देखना है साहब आपके रिलेवेंट ट्रांजेक्शन क्या सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन में रिपोर्ट किए गए हैं क्या आपके ट्रांजेक्शन नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न में रिपोर्ट किए गए हैं या आपके ट्रांजेक्शन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में रिपोर्ट किए गए और उसके अनुरूप आपको यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर जाकर के ये जो पर्टिकुलर मैंने यहां पर एक पिक्चर भी आपके लिए रेफरेंस के लिए लगाई है जो लोगो उस पर्टिकुलर पोर्टल का दिखता है इन करके नाम है वहां पर आपको अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है अपनी कंप्लायंस पूरी करनी है एक हल्का सा रेफरेंस दोस्तों आपके सामने रखता हूं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्लायंस पोर्टल दिस पोर्टल हेल्प्स एन एसएससी टू नो द डिटेल्स ऑफ हिज और हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड एंस्योरिंग नेसेसरी कंप्लायंस देयर यानी ये पोर्टल आपके सामने ऐसी जानकारी जो आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के संदर्भ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में है वो आपको उपलब्ध कराता है और आपसे रिलेवेंट कंप्लाइंस मांगता है अब सर हम उस एज में आ गए जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें सूचना आगे से आगे बढ़कर के दे रहा है कि देखिए भाटिया जी आपकी ये इंफॉर्मेशन हमारे पोजेशन में है आप क्या बोलते हो ये डॉक्यूमेंट ये इंफॉर्मेशन जो हमारे पास में है ये आपकी है आपकी नहीं है किसी और व्यक्ति की है तो वो व्यक्ति कौन है क्या आपने स्वयं के लिए ट्रांजेक्शन किया है या रिप्रेजेंटेटिव एस के रूप में ट्रांजेक्शन किया है अगर आपने आई नहीं फाइल करी तो क्यों आपने आई नहीं फाइल करी अगर आपने आई फाइल करी तो क्या उसमें इस ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट कर दिया तो बेसिकली क्या है सर एस को डिपार्टमेंट जागृत कर रहा है कि देखिए आप स्वयं कंप्लायंस कर दीजिए और ये बेटर होगा कि मैं स्वयं अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की कंप्लाइंस कर दू क्योंकि अगर मैं अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की कंप्लायंस दोस्तों खुद नहीं करूंगा और कल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझे असेसमेंट में लेके जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली पैनल कॉन्सिक्वेंस यानी पेनल्टीज लगेंगी इसलिए इट इज बेटर कि डिपार्टमेंट मुझे चांस दे रहा है मेरे ट्रांजेक्शन आगे बढ़ के बता रहा है कि देखिए भाटिया जी आपकी ये जानकारी हमारे पास है आप क्या बोलते हो तो इस प्रकार से सर ये जो कंप्लायंस पोर्टल है मेरी नजर में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यदि मैं अपनी बात रखूं तो एस के लिए ये एक बेनिफिशियल प्रोविजन है एस एफ टी के और कुछ उदाहरण हैं सर पेमेंट फॉर क्रेडिट कार्ड वन लाख रुपीज़ और मोर इन कैश टेन लाख रुपीज़ और मोर बाय एनी अदर मोड परचेज ऑफ डिवेंचर्स एग्रीगेटिंग टेन लाख रुपीज़ और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर परचेज ऑफ शेयर्स अमाउंटिंग टू टेन लाख रुपीज़ और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय बैक ऑफ शेयर्स अमाउंटिंग और वैल्यू एग्रीगेटिंग टू टेन लाख रुपीज़ और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स अमाउंट एग्रीगेटिंग टू टेन लाख रुपीज़ और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर और देखिए सर एस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ सकती है परचेज ऑफ फॉरन करेंसी अमाउंट एग्रीगेटिंग टू टेन लाख रूपीज़ और मोर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर परचेज ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी एंड अमाउंट ऑफ थर्टी लाख रूपीज और मोर वैल्यूड बाय स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी यानी आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी या बेची जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तीस लाख रुपये ज़्यादा की है उसको आपके एस में रिपोर्ट किया जा सकता है और जैसा मैंने पहले एक छब्बीस एयर्स पर दोस्तों स्पेसिफिकली वीडियो बनाई थी वहां भी मैंने बोला था कि सरकार ये इंफॉर्मेशन आपको छब्बीस एयरस में भी देगी लेकिन ये छब्बीस एयर्स की इंफॉर्मेशन अब हमें आगे से मिलेगी तो पीछे के ईयर्स में अगर मैंने कोई ट्रांजेक्शन किए हैं जिनकी नॉलेज भारत सरकार को है तो कंप्लायंस पोर्टल पर मुझे उपलब्ध होगी वहां मुझे उन ट्रांजेक्शन्स के संदर्भ में हा या ना रिपोर्ट करना है रिसीट ऑफ कैश पेमेंट एक्सीडिंग रूपीज टू फॉर सेल ऑफ एनी पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये सारे एस एफ टीज कहीं ना कहीं कंप्लायंस पोर्टल में जाके बैठेंगे और मुझसे पूछा जाएगा कि भटिया जी ये ट्रांजेक्शन आपके हैं हाँ या ना यदि आपके नहीं है तो आपकी जानकारी में किसी और व्यक्ति के हैं अब आप बोलोगे सर मुझे कैसे पता किसी और व्यक्ति के कैसे हैं मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने और मेरी वाइफ ने एक प्रॉपर्टी ज्वाइंट में ओन की थी जिसमें सोर्सेज मेरी वाइफ के ही थे और अब हमने वो प्रॉपर्टी बेची तो मैं उस प्रॉपर्टी का टैक्सेशन अल्टीमेटली मेरी वाइफ के हाथ में ऑफर करना चाहता हूँ पर वो ट्रांजेक्शन मेरे पर्टिकुलर पोर्टल पर दिख रहा है कि साहब भाटिया जी आपने प्रॉपर्टी बेची है इस पर कैपिटल गेन क्यों नहीं दिया तो मैंने वहां जाके बोला हाँ ये ट्रांजेक्शन हमने किया लेकिन इसके लिए टैक्सेशन रिपोर्टिंग मैं नहीं करूंगा मेरी वाइफ करेगी तो जैसे ही मैं ये इंफॉर्मेशन भारत सरकार को दे दूंगा तो भारत सरकार यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस ट्रांजेक्शन पर कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग फिर मेरी वाइफ से एक्सपेक्ट करती है तो इस प्रकार से सर आप समझ सकते हैं कि यह सूचना कैसे कंप्लायंस पोर्टल के पर्पजेज से आपके लिए काम में ली जाएगी अब दोस्तों कंप्लायंस पोर्टल पर पहुंचना कैसे है कंप्लायंस पोर्टल पर कैसे पहुंचना है यानी आप अपना नॉर्मल लॉगिन इन, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर करते हैं ठीक है थीके? वो लॉगिन करिए यहां पर आपको एक कंप्लायंस का ऑप्शन दिखेगा टैब दिखेगा जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये सबसे पहला ऑप्शन देगा आपको कंप्लायंस पोर्टल जब आप यहां पर क्लिक कर देंगे सर तो क्लिक करते ही ये आपको बोलेगा कि हम आपको एक दूसरी साइट पर लेकर के जाएंगे यानी दूसरे कनेक्शन पे लेके जाएंगे वो दूसरा कनेक्शन कैसे अपीयर होगा वो आपके सामने लेके आता हूं ये देखिए सर जैसे ही आपने वहां क्लिक किया कंप्लायंस पोर्टल पे, तो आपको कंप्लायंस पोर्टल अपने आप एक नया विंडो खोलेगा सर और इसमें यह सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है ई e कैंपेन ई e कैंपेन में आपको रिपोर्टिंग करनी है यानी एज एन एस आपको देखना है कि क्या ई e कैंपेन में कोई सूचना आ रही है क्या जैसे यहां पर लिखा है सर वन यहां दो भी हो सकता है तीन भी हो सकता है पांच भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है अगर ये जीरो है यानी आपको कोई कंप्लायंस करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन अगर ये वन टू थ्री कोई भी फिगर दे रहा है इसका मतलब आपकी इतनी सूचनाएं कंप्लायंस पोर्टल पर है जिनके संदर्भ में आपको जानकारी भारत सरकार को यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अब देनी है फिलअप करनी है अब जैसे ही दोस्तों मैंने आपके सामने बात रखी कि आपने पिछले पर्टिकुलर टैब पर क्लिक किया आप ई e कैंपेन पर आए आपने देखा कि ई कैंपेन में, में मेरे लिए कितना डेटा पड़ा है जीरो एक दो तीन चार अगर एक या एक से ज्यादा है और आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये तीन ऑप्शन दिखेंगे ई कैंपेन सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन ई कैंपेन नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड ई कैंपेन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन अब आपके लिए इनमें से जो भी एप्लीकेबल पॉइंट होगा उसके लिए नीचे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई आ जाएगी कि कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या ट्रांजेक्शन आपके लिए कितने वैल्यू का ट्रांजेक्शन वहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है जैसे मैंने जो केस उठाया सर उसमें हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन की रिपोर्टिंग थी तो मैंने यहां पर लिखा हुआ मेरे को दिख रहा है अगर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न होता तो आपको यहां पर सूचना मिलती अगर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन होता तो सूचना यहां पे मिलती किसी के लिए दो जगह इंफॉर्मेशन हो सकती है किसी के लिए एक किसी के लिए तीनों तो आपको रिलेवेंट जगह पर फिलअप करते जाना है यानी क्लिक करते जाना है और क्लिक करते ही आपको नेक्स्ट विंडो पर लेके जाएगा जहां पर आपसे इंफॉर्मेशन की फाइलिंग करवाई जाएगी यहां पर आपको एक और मैसेज आएगा सर जैसे ही आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जैसे मान लीजिए मैंने क्लिक किया ई कैंपेन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन तो वो आपको बताने लगेगा इंफॉर्मेशन देगा कि साहब दिस सेक्शन इज फॉर सबमिशन ऑफ योर रिस्पॉन्स ऑन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड यू एंड इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर से नाइनटीन ट्वेंटी रिलेटिंग टू एफ आई एटीन नाइनटीन किसी भी ईयर की सूचना आपसे मांग सकते हैं दूसरा सबमिशन ऑफ रिस्पॉन्स में रिक्वायर्ड टेन मिनट्स ऑफ मोर ऑफ योर टाइम डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन भारत सरकार करिए दस या दस से ज्यादा मिनट आपको इस सूचना को देने में लग सकते हैं इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड मे चेंज इन फ्यूचर सब्जेक्ट टू रिविजन ऑफ द डिटेल्स रिसीव बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम द रिपोर्टिंग एंटिटी यानी जिन्होंने रिपोर्ट किया है अगर वो भविष्य में कोई रिविजन ऑफ डेटा कर दें तो ये इंफॉर्मेशन जो आपको दी गई है वो चेंज भी हो सकती है यू विल हैव एन ऑप्शन टू रिवाइज योअर रिस्पॉन्स इन फ्यूचर ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंपॉर्टेंट कैसे है क्योंकि आप जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन यहां एग्री कर रहे हैं फीडबैक दे रहे हैं आप चाहें तो भविष्य में उस फीडबैक को चेंज भी कर सकते हैं ये एक बहुत बड़ी चीज गवर्नमेंट ने यहां पर आपको ऑप्शन के रूप में दी सबिशन ऑफ रिस्पॉन्स बाय यू विल हेल्प अस इन वैलिडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डीपली अप्रिशिएट योर काइंड कॉपरेशन इन द मैटर तो आप जो ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मानता है कि इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की फिलअप करने के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उस डेटा के वैलिडेशन में हेल्प मिलेगी जैसे मान लीजिए आप कहते हैं डेटा वैलिड नहीं है तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो सकता है अपने सोर्स को वापस चेक करें कि भाई ये डेटा हमें सही क्यों नहीं आ रहा तो आप न केवल डेटा को एक्सेप्ट कर सकते हैं आप रिफ्यूज भी कर सकते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों कंप्लायंस पोर्टल पर ये जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है बहुत जरूरी है यहां देखिए दोस्तों अगर मान लीजिए मैं हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन पे चला गया तो वो मुझे बता रहा है कि हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन भाटिया जी आपका क्या है बोला जी परचेज ऑफ डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन किए आपने फॉर एन एग्जाम्पल अठारह करोड़ तैंतीस लाख इक्यानवे हजार आठ सौ बत्तीस रुपए के ट्रांजेक्शन किए अब हो सकता है मैं ये कहूं कि साहब मैंने तो लॉस खा लिया इन डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन में दो लाख का लेकिन भारत सरकार करीब भाटिया जी लॉस खा लिया पर हमें सोर्स तो जानना है ना कि आपने डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन जो 18 करोड़ 33 लाख के किए उसके लिए पैसे कहां से लाए इतने जो आपने अट्ठारह करोड़ तैंतीस लाख के ट्रांजेक्शन किए चाहे आपने दो लाख लॉस कमाया लेकिन आपने ओवरऑल उस कंपनी को हो सकता है बारह लाख का पेमेंट किया हो अब आपकी सैलरी तो आ रही है साल की पांच लाख और पेमेंट कर रहे हो उनको बारह लाख का किसको सिक्योरिटीज कंपनी को तो निश्चित रूप से भारत सरकार जानना चाह रही है कि साहब ये बारह लाख कहां से लाए तो कहने का मतलब यह है सर कि आपको उस ट्रांजेक्शन की डेप्थ में जाकर के समझना पड़ेगा कि हाँ साहब ये ट्रांजेक्शन मेरे हैं नहीं है मेरे हैं तो क्या मैं इनको मानता हूं या नहीं मानता और जो जो इंफॉर्मेशन मुझे मिलती चली जाएगी यहां पर उस पर मुझे अपना हाँ या ना करते हुए आगे बढ़ना है यहां देखिए दोस्तों उसी इंफॉर्मेशन समरी में मेरे को बल्क रिस्पांस का भी जैसे मान लीजिए मेरे बहुत सारे ट्रांजेक्शन है सर डेरिवेटिव तो कई सौ हो सकते हैं हजारों में हो सकते हैं संख्या में तो ऐसी परिस्थिति में मुझे बल्क का ऑप्शन दिया गया है क्या मैं इंफॉर्मेशन को करेक्ट मानता हूं या मैं इंफॉर्मेशन को मना करता हूं मैं इंडिविजुअल रिस्पांस देना चाहूं तो इंडिविजुअल रिस्पांस दे सकता हूं हर डेटा पे और मैं बल्क रिस्पांस देना चाहूं तो दोस्तों बल्क में भी रिस्पांस दे सकता हूं यह देखिए सर मेरे को जो भी मेरे ट्रांजेक्शन है सरकार के रडार पे वो ट्रांजेक्शन सरकार बता रही है मैंने एनएससी में उसे एग्जीक्यूट किया क्या किया सर मैंने वहां डिवेंचर या डेरिवेटिव लिया ठीक है ये मैंने एच का शेयर लिया ऑप्शन स्टॉक में मेरी क्या क्वांटिटी थी क्या वैल्यू थी ये जितने ट्रांजेक्शन मेरे होंगे एक दो सौ पाँच सौ हज़ार सबका डेटा यहां पर उपलब्ध होगा यानी आप समझ सकते हैं सर कितनी डिटेल में भारत सरकार के पास आपकी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है फाइनली जब आप ये सारे ट्रांजेक्शन्स को एक्सेप्ट या रिफ्यूज करते जाएंगे ठीक है आप पर ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं बल्क में भी कर सकते हैं आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर दैट यू वॉन्ट टू सबमिट द रिस्पॉन्स आईदर यू मे डू ओके और यू मे डू द कैंसिल आपने गलत भी रिस्पॉन्स दे दिया मैंने बोला सर डरने की जरूरत नहीं है आपको रिवाइज करने का ऑप्शन हमेशा उपलब्ध है फाइनली सर जब आपने रिस्पॉन्स दे दिया तो भारत सरकार यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको थैंक यू बोल रहा है थैंक यू फॉर कंफर्मिंग द इन्फॉर्मेशन तो यहां तक आते आते सर आपने जो भी इंफॉर्मेशन है उसके प्रति अपना एक्सेप्टेंस रिफ्यूजल चेंजेस जो भी है वो रिपोर्ट करना है हालांकि ये बात मैं पहले कर चुका हूं लेकिन फिर भी बता रहा हूं सर वॉट आर वेरियस फीडबैक ऑप्शन अवेलेबल द फीडबैक ऑप्शन विल बी डिस्प्लेड ऑन ईच इंफॉर्मेशन डिटेल

इंक्लूडेड इन अदर डिस्प्लेड इंफॉर्मेशन दो दो बार सेम इंफॉर्मेशन आ रही है यानी कहीं डुप्लीकेसी ना हो जाए एंड इंफॉर्मेशन इज डिनाइड आप डिनाई दे, करना चाहें तो आप डिनाई भी कर सकते हैं तो यह सर वेरियस ऑप्शन है जो एज एन एसेसी आपको इस कंप्लायंस पोर्टल पर मिलेंगे और आपको सही ऑप्शन चूज करना है मैं फिर कह रहा हूं सर घबराने की कोई बात नहीं है अगर मेरे से गलत ऑप्शन भी टिक हो गया मैं रिवाइज कर सकता हूं तो यह एक अच्छा ऑप्शन है सर जो मुझे इस पोर्टल पर उपलब्ध होगा फाइनली दोस्तों लाखपति की बात सजेशन टू द असेसिस एट लार्ज इस वीडियो के थ्रू मैं क्या सजेशन आप तक पहुंचाना चाहता हूं दैट थ्रू कंप्लायंस पोर्टल बिकॉज आपको आपके एसएफटी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सरकार बता रही है आगे बढ़ के आप भी इंश्योर करिए कि आपने रिलेवेंट कंप्लायंस कर ली है विद ड्यू कंसल्टेशन यानी आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके टैक्स एडवाइजर के थ्रू आपने उन ट्रांजेक्शन पर जो भी आपका टैक्स इंपैक्ट होता है या आपने अपनी विजडम के द्वारा उन ट्रांजेक्शन पर जो भी से फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी सर पचास लाख की अब आपको गिफ्ट मिला तीस लाख रुपए का आपके पिताजी से तो आपके चार्टर अकाउंटेंट आपको ये एडवाइस कर सकते हैं कि साहब तीस लाख रुपए का जो आपने गिफ्ट लिया जिससे आपने पचास लाख की प्रॉपर्टी खरीदी बीस लाख आपने स्वयं के मिला है तो वो जो तीस लाख रुपए आपने अपने पिताजी से लिया क्या उसके लिए गिफ्ट डीट प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर ली ताकि फ्यूचर में काम आए तो आप उस इंफॉर्मेशन को यूज करें जो रिलेवेंट बाकी के 20 लाख रुपए आपने इकट्ठे किए सर वो 20 लाख का सोर्स क्या था क्या आपने उसके प्रति तैयारी कर ली ठीक है आप कहते हैं जी 10 लाख तो मेरे खाते में ही पड़े थे बाकी के 10 लाख रुपए मैंने मेरे ब्रदर इन लॉ से ले लिए मैंने मेरी वाइफ से ले लिए मैंने खाते में कैश जमा करा लिए पांच लाख तो साहब खाते में पांच लाख रुपए कैश जमा कराए तो वो कहां से आए तो ऐसे कुछ बिंदु हैं सर जिन पर आपको ध्यान देना होगा प्लीज़ पे रिलेवेंट इनकम टैक्स बहुत बढ़िया बात है सर सरकार आपको बता रही है कि हमारे डोमेन में ये सूचनाएं सूचनाएँ है आपकी हैं अब मान लीजिए आपको लग गया जी भाटिया जी पाँच लाख रुपए कैश जमा करा के आपने प्रॉपर्टी खरीदी पचास लाख की अनु भाटिया के पास जवाब नहीं है कि पाँच लाख रुपए कैश कहां से लाया था तो एक तरीके से या तो वो मेरी इनकम है यदि इनकम है तो उसके ऊपर टैक्स पे करूं ताकि मेंटल पीस बाय कर पाऊं ठीक है यानी आपको तैयारी के लिए एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन बेस मिल गया है आपको लगता है जी मेरे इस ट्रांजेक्शन पर टैक्स पेबल है पर मैंने नहीं पे किया तो बेटर यू पेड कोई जना मेरे को बोला भाटिया जी मेरी इंफॉर्मेशन तो पंद्रह सोलह की दिख रही है पोर्टल पर क्या करूं मैं बोलूंगा साहब अगर पंद्रह सोलह की इंफॉर्मेशन है अभी आपका असेसमेंट नहीं खुला टैक्स लाइबिलिटी दे बनती है तो साहब पे करो ना पे करके इंटरेस्ट सहित बैठ जाओ कल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भी देगा उस असेसमेंट करने के लिए उस इनकम का तो भी सर आप पर पेनल्टी तो नहीं लगेगी तो ये एक इंफॉर्मेशन को यूज करने का माध्यम है कीप योर डॉक्यूमेंट रेडी फॉर फर्दर इंक्वायरी और क्योंकि आपके कंप्लायंस पोर्टल में इंफॉर्मेशन आ गई है तो आप भी अपनी ओर से डॉक्यूमेंट रेडी रखिए सर ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कल पूछे तो अपन वो सूचना उनके चाहे जाने पर बिल्कुल अपडेटेड फॉर्मेट पर टू द पॉइंट उपलब्ध करा सके तो आई होप दोस्तों कि ये सजेशन आपके लिए तो आई होप दोस्तों ये सजेशन निश्चित रूप से आपके लिए काम में आएंगे और ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसके थ्रू आप स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग कैसे करनी है उस पर एक अपडेशन आपको मिला होगा हालांकि आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरीज हो आप मुझे लिख सकते हैं मैं कोशिश करूंगा उन पर आपको अगर उत्तर दे पाया अपनी सूक्ष्म बुद्धि से तो जरूर दूंगा मुझे सुनने के लिए मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जय हिंद